जैसे कि फुटबॉल फुलिया। मार्केट से मैं लेके आ गई थी इमली। आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे और उसी के पानी की तैयारी हम घर पे कर रहे हैं। तो ये पुदीना और थोड़ा सा धनिया है जिसका मैं बना लूँगी पेस्ट। और यहाँ पे इमली मैंने भिगो के रख दी थी। इसको अब अच्छे से क्या करते हैं, छान लेते हैं। अच्छे से इसका जो प्लम है उसको निकाल लेंगे जिससे कि अच्छे से खट्टापन आ जाए। और इसको निकाल लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छन्नी में इसको डाल लिया है। इसको इस तरह हिलाते हुए सारा पानी हम नीचे इकट्ठा कर लेंगे। और इस पानी में अब हम डालेंगे मसाले। तो पहले मैं पानी अच्छी तरह यहाँ पर निकाल लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं मसाले डालूँगी। यहाँ पर पुदीने और धनिए का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने अमचूर और चाट मसाला दोनों साथ में मिला के ऐड कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर जीरा और लाल मिर्च को मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसको कूट के हम इसी में ऐड करेंगे जिससे तीखापन आसानी से आ जाए और खूब अच्छा सा चटपटा सा ये बने। तो मैंने इमाम दस्ते में इसको कूट लिया है। अब यही इसमें डालेंगे तो इससे कलर भी आएगा और खूब चटपटा सा ये बन भी जाएगा। मैंने पहले काला नमक थोड़ा सा इसमें डाला था तो अब थोड़ा सा सादा नमक भी हम इसमें डाल देंगे। और ये रहे आलू और थोड़ा सा प्याज भी मैंने काटा है। यहाँ पर लाल मिर्ची डाल ली, हरी मिर्ची भी इसमें कटी हुई है। इन सबको मैश कर लेंगे नमक डाल के और मसाला हमारा आलू वाला रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन सबको मिक्स कर लीजिएगा जिससे कि आप गोलगप्पों के अंदर इनको भर सकें। आप यहाँ पर भिगे हुए मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मार्केट से लाए हुए गोलगप्पे हैं जिनको आप फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो तेल में मैंने डाल दिया था तो अच्छे से ना तेल गर्म नहीं हुआ था, तो इस तरह पहले वाले इस तरह के बने थे और काफ़ी बड़े बने थे क्योंकि मैं यहाँ पर गोलगप्पे भी तैयार हो चुके हैं और अब करेंगे चैलेंज कौन कितना खा पाता है। तो जरूर इस वीडियो को आप देखिएगा। वेदर फोरकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज का तापमान बहुत ही गर्म रहने वाला है। दोस्तों देखिए गोलगप्पे बन गए हैं जो मार्केट से लाए थे और हमने इसको ना धूप में सुखाया तो उसके बाद ये ऐसे फूले जैसे कि फुटबॉल फूलिया। फुटबॉल कैसे फूल जाएगा, फुसोगे नहीं फूलता। तैयार हो शुरू करूं? क्या मैं भी करो, चलो फिर तो लगा। अरे रुको पहला तो करूं मैं भी, चलो थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह भरना अपने इसको। 1 2 3 गो। मार्केट से भी ज्यादा हो रखा है तो मतलब चाट हो रही चाट, मैं नहीं खा पाऊंगी। दो में आराम से खाएगी। हो गया तो सिया जीती है ना, सिया जीती है इसमें। इसको राउंड भी खा सकता है। मैं अपनी हार मानती हूँ ब्रो। कैसा मैं आराम से खाऊंगी। ये तो बताओ कैसा हुआ है, ये कैसा हुआ है? खाएगा
आराम से खाओ। खट्टा ज्यादा हो गया ना इसलिए, हुआ तो बहुत अच्छा है एकदम धीरे धीरे खाने वाला हुआ पर फटाफट नहीं खा सकते। स्वाद के बारे में तो कुछ बचाओ, कैसा हुआ है, इतनी मेहनत की है मैंने, है मार्केट से कैसा हुआ है, है? तू बता ना, बात करने की हालत में नहीं है। इतने सारे हैं, कितने खाए थे? मैं तो मैंने पांच खाए। चार ना, तीन ही, दो ही खाए, मैंने तीन खाए खाए थे। तुम तो रॉन्ग में लाने लायक नहीं है। आराम से खाने से अच्छा है ना, पानी डाल देते हैं सब। और तो हम इसमें ना थोड़ा पानी डाल दें, बहुत थोड़ा खट्टा ज्यादा है ना इसलिए, और उसके बाद सारा खत्म कर देंगे, देखते रहो आप। क्रेविट डालोगे? पूरा क्यों डालो? मैं नाक भी पोछा था। चलिए हम आराम से इन गोलगप्पों को ख़त्म करते हैं, इसके पानी को वैसे तो ख़त्म ही हो चुका है, और इन छुट्टियों में आप भी गोलगप्पों का आनंद लीजिए इनकी तरह। कैसा लगा ये तो बताओ, इतनी मेहनत से बनाया मैंने, मतलब पानी कैसा था? तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बोल।